वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, तो थ्योरी पार्ट मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी ले चुका। सो हमें तीन फॉर्मूले यूज करने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, एंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ओके, v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, s इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड t इज द टाइम। तो ये सब यूज करके हमें क्या करना है, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन इज गिवन एज अ मोटर इज ट्रैवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन। इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस 90 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, सो क्या 90 इनटू किलोमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट कर दे, सो दैट इज 1000 डिवाइड बाय अर्थ को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो 60 इनटू 60। सो व्हाट यू विल गेट, 90 इनटू 1000 डिवाइड बाय 60 इनटू 60, सो द वैल्यू व्हिच इज कमिंग एज 25 मीटर पर सेकंड। So I have converted into meter per second. Then he observed a traffic signal present at a distance of 250 meter. S is equal to 250 meter distance. It turns red. The traffic signal is time to stay. Traffic signal कितने time तक रहेगा? 12 seconds तक रहेगा. मतलब एक motorist pass हो रहा है, उसने सामने से देखा तो 250 meter पे एक traffic signal है जो red है. Okay? और उसके ऊपर time दिखा रहा है 12 seconds. So 12 seconds तक क्या रहेगा? On रहेगा. ओके, इफ द मोटरिस्ट विशेस टू पास द सिग्नल विदाउट स्टॉपिंग जस्ट एज इट टर्न्स ग्रीन, मतलब यहाँ पे क्या करना है, मोटरिस्ट को कार सॉरी मोटरिस्ट को मोटर रुकाना नहीं है। ओके, अपना बाइक उनको वहां पे नहीं रुकाना है, ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू ओके विद सम स्पीड विदाउट स्टॉपिंग। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है द रिक्वायर्ड यूनिफॉर्म डिसेलरेशन ऑफ द मोटर and the speed of motor as it passes the signal. Consider करो, अगर 25 meter per second से अगर continue motion में रहेगा तो क्या होगा बताओ मुझे, that will be distance travel, total distance travel will be u into t, velocity into time. So what is initial velocity, 25 into time is what, 12. तो अगर ये same velocity से continue करेगा so total distance travel कितना होगा, 300 meter, but actual में सिग्नल और मोटर के बीच में ये कितना है, डिस्टेंस 250 मीटर है, लेकिन ये क्या हो रहा है, 3 मीटर, मतलब वो सिग्नल के आगे चला जाएगा इफ ही कंटिन्यू विद द सेम स्पीड, अगर सेम स्पीड से चला जाता है तो हमें वो नहीं चाहिए। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन। तो वहां पे मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा, सो दैट्स व्हाई द टर्म डिसेलरेशन इज गिवन। तो अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक लगाऊंगा तो इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द स्पीड, वो कहां तक रिड्यूस करना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू ut plus half at square. Okay, s is given, s is 250, initial velocity, what is the initial velocity, initial velocity is given as 25 meter per second into time, time kitna hai 12 plus half into acceleration, pata nahi hai to acceleration hume find karna hai, into time is what, 12, so yahan pe likh sakta hu main 12 square. Okay, so t 50 250 aur ye iska solution rahega minus 300 इसका वैल्यू, so 250 माइनस 300 सो इट विल बी माइनस 50 इज इक्वल टू 72 a। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आई एम गेटिंग वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एज माइनस 0.6944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया, मतलब मुझे इतना क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा 0.6944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और उस टाइम पे उन्होंने पूछा द स्पीड ऑफ द मोटर एज इट पासेस द सिग्नल, तो जब वो सिग्नल पास करेगा ओके तो वहां पे स्पीड क्या रहेगा, तो हमें सिंपल फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू u प्लस at। नाउ v इज द फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इट इज गिवन दैट इज 25 प्लस एक्सेलरेशन इज व्हाट, माइनस 0.6944 इनटू टाइम इज व्हाट, 12। सो अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूं तो फाइनल वेलोसिटी आई एम गेटिंग इज 16.666 meter per second. So this is the final velocity when it crosses the signal. Okay, काफी सिंपल है, हमने सिर्फ क्या किया, जस्ट फॉर्मूला लिखा, जो भी गिवन डेटा था उसके अकॉर्डिंगली हमने सॉल्यूशन फाइंड किया। तो हमें कितना ब्रेक लगाना पड़ेगा, एक्सेलरेट कितना डिसेलरेट करना पड़ेगा, माइनस 0.69। व्हाई द माइनस साइन इज देयर, बिकॉज वी आर डिसेलरेटिंग, एक्सेलरेट कर रहे हो तो प्लस आएगा, स्पीड अगर बढ़ा रहे हो तो प्लस आएगा, कम कर रहे हो तो माइनस आएगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू 16.66, इस वेलोसिटी से वो क्या करेगा, इट विल क्रॉस द सिग्नल। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, क्या दिया सेकंड क्वेश्चन, कार पी एंड क्यू आर ट्रैवलिंग इन पैरेलल लेन,
कार पी और कार क्यू है, तो यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कार पी इज प्रेजेंट ओवर हियर एंड कार क्यू इज प्रेजेंट ओवर हियर. ओके, ऑन अ स्ट्रेट हाईवे विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, अगर 72 किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे कन्वर्ट करना है, सो अगेन 72 × 1000 डिवाइड बाई 3600, 60 × 60, सो आई एम गेटिंग वैल्यू एज 20 मीटर पर सेकेंड. सो पी एंड क्यू, दीज आर द टू कार्स. ओके, नाउ वी आर कंसिडरिंग दैट दिस कार इज अ पार्टिकल, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये पार्टिकल है और उसका सोल्यूशन हम फाइंड करें. ओके, किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, कार पी इज अहेड ऑफ कार क्यू, सो कार पी इज अहेड ऑफ कार क्यू, तो कार क्यू मुझे पहले दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, कार क्यू, कार पी इज अहेड ऑफ कार क्यू बाय हाउ मच डिस्टेंस, 200 मीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर वो आगे ऑलरेडी 200 मीटर, और दोनों का स्पीड सेम है. व्हाट इज स्पीड फॉर बोथ द व्हीकल्स, 20 मीटर पर सेकेंड. एट अ सर्टेन इंस्टेंट पी डिसेलरेट्स, मतलब पी ने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, व्हाट इज द ब्रेक, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड वेयर इज कार क्यू एक्सेलरेट्स, कार क्यू ने क्या किया अपना स्पीड बढ़ाना स्टार्ट किया, क्यू एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हेन एंड वेयर विल कार क्यू ओवरटेक कार पी, तो ये कार क्यू कार पी को कब ओवरटेक करेगा, कितने डिस्टेंस में, वो हमें फाइंड आउट करना है. सो आई विल एज्यूम दैट इट विल ओवरटेक एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम हियर, एक पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे आर एज्यूम करता हूँ, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद क्या करेगा, कार क्यू विल क्रॉस ओवरटेक कार पी. चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट फॉर कार पी. फॉर कार पी व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, एक्स, मतलब पी से आर का डिस्टेंस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी टू आर डिस्टेंस. ओके, एस इज इक्वल टू एक्स, देन व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, पी डिसेलरेट्स, मतलब क्या होगा, -2.5, डिसेलरेट का मतलब क्या, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड टी एज्यूम करते हैं हम लोग, दोनों के लिए टाइम तो सेम लगेगा, सो आई विल एज्यूम दैट इट इज इक्वल टू टी सेकेंड्स. वी नो द फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 20 टी माइनस हाफ, माइनस क्यू बिकॉज एक्सेलरेशन का साइन माइनस है, माइनस हाफ इंटू 2.5 इंटू टी स्क्वायर. ये हो गया इक्वेशन नंबर वन. अभी कार क्यू के लिए हम लोग फाइंड करेंगे, कार क्यू इनिशियल वेलोसिटी विल रिमेन सेम 20 मीटर पर सेकेंड कार क्यू के लिए. व्हाट इज एस, अभी एस कितना रहेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, कैन आई से इट इज एक्स प्लस 200, यस इट इज एक्स प्लस 200. व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दिया है क्यू यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट्स एट 2 मीटर, सो प्लस 2 आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा, दैट इज टी. ओके, अभी फिर से इसके लिए हम फाइंड करेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो व्हाट इज एस, आई कैन राइट इट एज एक्स प्लस 200, ओके, प्लस इनिशियल, सॉरी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20, 20 टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज गिवन, एक्सेलरेशन कितना है 2 × t². सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. जब हम ये दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, आई विल गेट द फाइनल सॉल्यूशन एज एज टी इज इक्वल टू 9.428 सेकेंड्स एंड एक्स इज इक्वल टू 77.45 मीटर. सो मतलब कितने डिस्टेंस के बाद वो ओवरटेक करेगा, 77.45 फ्रॉम पी यहाँ से, सो एक्स इज इक्वल टू कमिंग एज 77.45 मीटर, कितने टाइम बाद, 9.428 सेकेंड्स के बाद. सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, जस्ट थिंक करना है उसके अकॉर्डिंगली आपको. अगेन आई एम यूजिंग द सेम फॉर्मूले, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. नेक्स्ट, पॉइंट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन 11 सेकेंड एंड 15 सेकेंड फ्रॉम द कमेंसमेंट, इट मूव्स थ्रू 7.2 एंड 9.6 रिस्पेक्टिवली. दैट मीन्स आई कैन एज्यूम दैट एस 11
ओके 11 सेकेंड एंड 15 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि फर्स्ट सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया किसी भी पार्टिकल में, पार्टिकल ने, तो आप कैसे फाइंड करते हो? इज इट एस वन माइनस एस जीरो? बिकॉज एक सेकेंड के ड्यूरिंग दैट पीरियड कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एस वन, सो एस वन में से माइनस एस जीरो करते हैं। व्हाट इज एस वन? एस वन मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम इज इक्वल टू वन, एंड जीरो एस जीरो इज वॉट? वेन टाइम इज इक्वल टू जीरो, वॉट इज द डिस्टेंस ट्रैवल। सो दोनों का डिफरेंस हम फाइंड करते हैं। सो पर्टिकुलर उस सेकेंड में अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ पे अगर मुझे एस इलेवन फाइंड करना है, एस इलेवन ओके डिस्टेंस ड्यूरिंग द 11 सेकेंड, सो आई हैव टू राइट इट एज एस इलेवन माइनस एस टेन, हम इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ओके और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 7.2। सिमिलरली एस 15 सेकेंड में जो 15वां सेकेंड है बिटवीन 14 एंड 15, उस ड्यूरेशन में कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आई कैन फाइंड इट आउट एस 15 माइनस एस 14, लाइक दैट वी कैन फाइंड। चलो पहले हम फाइंड करते हैं, वी नो द फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। चलो फॉर द 11 सेकेंड एस 11 क्या आएगा, यू हैव टू पुट 11 यू टी एस 11, बिकॉज एट टी इज इक्वल टू 11 यू विल गेट एस 11, सो 11 यू प्लस हाफ इंटू 121 t square, because 11 square is 121 into a, so you will get one equation s 11 is equal to 11 u plus 60.5 a, this is the equation one, s 11 आ गया। उसके बाद s 10 find करोगे आप लोग, s 10 कैसे मिलेगा आपको? Again you have to use the same formula ut plus half a t square, so instead of t you have to put value as 10, you t ke jagah pe 10 value put karoge, so 10 u plus half into 100, 10 ka square 100 hai, into a, so ye kya aayega 10 u plus 50 a, so this is equation 1, equation 2 mujhe kya chahiye, s 11 minus s 10 chahiye, what is s 11 minus s 10, what you are getting 11 u minus 10 u, मतलब 1 में से आपको 2 माइनस करना है इक्वेशन को, सो 11 यू माइनस 10 यू, यू आएगा प्लस 60.5 माइनस 50, सो दैट मीन्स 10.5 ए, दिस इज द इक्वेशन ए। ओके और इसका जो वैल्यू है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, दैट इज 7.2। देखो पहला लाइन, दैट इज 7.2 इज इक्वल टू 7.2, सो पहला इक्वेशन मिला हमें यू प्लस 10.5 ए इज इक्वल टू 7.2, दिस इज इक्वेशन ए लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। सेम वैसे हमें यहाँ पे फाइंड करना है एस 15, हमें फाइंड करना है, सो एस 15 कैसे मिलेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फॉर्मूला सेम रहेगा 15 यू, टाइम के जगह पे टाइम में 15 लिखना है आपको, टी के जगह पे 15 यू प्लस हाफ इंटू 225 15 स्क्वायर इंटू एक्सेलरेशन, सो इट इज कमिंग एस 15 यू प्लस 112.5 ए, दिस इज इक्वेशन 3, ये हो गया एस 15 का वैल्यू। सिमिलरली एस 14 आप फाइंड कर सकते हो, दैट इज 14 यू प्लस हाफ इंटू 196 इंटू ए, सो एस 14 कितना आ गया, 14 यू प्लस 98 ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो अगेन 3 में से 4 हमें माइनस करना है, बिकॉज हमें क्या फाइंड करना है, एस 15 माइनस एस 14, मतलब 15वें सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सो एस 15 माइनस एस 14, 15 माइनस 14 इज यू, एंड 112.5 माइनस 98, सो दैट इज कमिंग एज 14.5 ए। ओके और इसका जो वैल्यू दिया है इट इज 9.6, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज 9.6, सो यू कैन राइट इट एज यू प्लस 14.5 ए इज इक्वल टू 9.6।
This is equation B. So after solving equation 1 A and B, you will get final solution as u is equal to 0.9 meter per second and acceleration is equal to 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. काफी सिंपल था ये क्वेश्चन सॉल्व करना भी. हमने जस्ट नॉर्मल फॉर्मूले यूज किए. तो इन्होंने क्या पूछा है, 11 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 7.2. सो 11 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कैसे मिलेगा, एस 11 माइनस एस 10. और 15 सेकेंड में कैसे मिलेगा हमें, एस 15 माइनस एस 14. तो वो हमने फाइंड करके फाइनल सोल्यूशन हमने फाइंड आउट किया. ठीक है, तो ये हो गया वन क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ले लेते इसके ऊपर. सो इन एन एशियन गेम ऑफ 100 मीटर इवेंट, ओके, सो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 100 इज गिवन एज 100 मीटर. एन एथलीट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम स्टार्ट टू हिज मैक्सिमम वेलोसिटी. ओके, तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो. इट एक्सेलरेट्स विद सम एक्सेलरेशन विच वैल्यू इज वी डोंट नो द वैल्यू. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए लिखेंगे हम लोग. ओके, एंड डिस्टेंस कितना दिया उन्होंने, 4 मीटर. कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, 4 मीटर. एंड इट अटेन्स हिज मैक्सिमम वेलोसिटी. सो उस पीरियड में वो क्या करेगा, उसका मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करेगा. सो आई कैन राइट v इज इक्वल टू v max. तो इनिशियली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं डायग्राम्स के थ्रू आपको दिखाना चाहूंगा. इनिशियली स्टार्टिंग विद a, तो इनिशियली क्या होगा, यहाँ पे इनिशियली वेलोसिटी क्या रहेगा, 0. कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. एंड आफ्टर ट्रैवलिंग दिस 4 मीटर डिस्टेंस, ओके, विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके, कितना मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करेगा. इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, 0, एंड इट विल गेन द मैक्सिमम वेलोसिटी हियर. यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करेगा और उसी स्पीड से आगे क्या करेगा, रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करेगा. सो टोटल डिस्टेंस कितना है, 100. सो व्हाट इज द रिमेनिंग डिस्टेंस, सो रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी 96 मीटर. और वहां से यहां से यहां तक का स्पीड क्या रहेगा, इट विल बी सेम, दैट इज वी मैक्स. यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है. एंड टोटल टाइम टू कंप्लीट द रेस इज 10.4. तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हमें टाइम T1 लगा और बी टू सी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हमें टाइम T2 लगा. दोनों के एडिशन क्या होना चाहिए, 10.4 होना चाहिए, करेक्ट है. तो चलो, इससे अगर मुझे कोई फॉर्मूला लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. वी क्या होगा, v मैक्स, क्योंकि मैक्सिमम फाइनल वेलोसिटी v मैक्स रहेगा. इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है. एंड टाइम इज वॉट, T1. ओके, सो आई कैन राइट T1 इज इक्वल टू v मैक्स अपॉन a. ये एक इक्वेशन मिला हमें. उसके बाद दूसरा इक्वेशन हमें पता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. फाइनल वेलोसिटी क्या है, v मैक्स, v square max is equal to initial velocity 0 plus 2 into acceleration a into total distance travel is 4, right? So v square max, so acceleration ko main kaise likh sakta hu, v max square upon 8. Okay, then agar main ye acceleration ka value equation number 1 mein agar put karta hu, okay, to mujhe finally kya milega, t1 is equal to I'm getting 8 upon v max. This is what I'm getting by equation 1 and 2. Okay, ये दो, because T1, तो यहाँ पे क्या करना है, acceleration की जगह पे मैं v square max upon 8 ये value put करूँगा. So I'm getting value as 8 upon v max. उसके बाद next term फ्रॉम बी टू सी, अभी बी टू सी के बारे में सोचेंगे. तो बी टू सी, यहाँ पे तो वेलोसिटी सेम है, सो वेलोसिटी सेम है मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा. तो अगर वेलोसिटी सेम है, सो आई कैन राइट इट एज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम बी टू सी डिस्टेंस के लिए. ओके, ये हो गया बी टू सी के लिए. ये था ए टू बी के लिए. सो डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 96 इज इक्वल टू वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे वी मैक्स ही रहेगा क्योंकि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसने उसी स्पीड से कंटिन्यू किया है, इन टू टाइम इज T2. सो आई कैन राइट T2 इज इक्वल टू 96 अपॉन वी मैक्स. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. बट मुझे पता है द टोटल टाइम इज वॉट, T1 प्लस T2.
सो व्हाट इज टोटल टाइम, टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज 10.4 इज इक्वल टू T1 का वैल्यू मुझे पता है दैट इज 8 अपॉन वी मैक्स एंड T2 का वैल्यू क्या है 96 अपॉन वी मैक्स. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस आई विल गेट मुझे क्या मिल रहा है वी मैक्स इज इक्वल टू, वी मैक्स इज इक्वल टू 10 10 मीटर पर सेकेंड, वी मैक्स इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. सो आई एम गेटिंग वैल्यू ऑफ वी मैक्स एज 10 मीटर पर सेकेंड. अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ कहाँ पे किसी भी इक्वेशन में वी मैक्स इज इक्वल टू ओके, तो मुझे किसका वैल्यू फाइंड करना है, एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड करना है. तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे मिलेगा, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ वी मैक्स इन द इक्वेशन हियर, यू विल गेट वैल्यू ऑफ T1, यहाँ से आपको T1 मिल जाएगा, यहाँ से आपको T2 मिल जाएगा, राइट है. देन यू नो दैट ये फॉर्मूला है आपके पास वी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फॉर्मूला ए वी वी स्क्वेयर मैक्स ओके इज इक्वल टू, और यू कैन से फॉर्मूला नंबर टू, ये फॉर्मूला नंबर टू है वहां पे क्या है रिलेशन बिटवीन ए एंड वी मैक्स इज गिवन. सो यहाँ पे वी का वैल्यू पुट करो सो यू विल गेट 100/8. सो एक्सेलरेशन कितना वैल्यू आएगा दैट इज 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इन दिस वे आप क्या कर सकते हो वी मैक्स का और एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हो. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन द रेक्टिलिनियर मोशन. ओके नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन जब होता है इफ पार्टिकल ड्रॉप्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट, इफ आई थ्रो द पार्टिकल इन अपवर्ड डायरेक्शन देन हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.